छिंदवाड़ा में विगत दिनों कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत रात्रि के समय एक मोबाइल शॉप में चोरी की घटना को कुछ अज्ञात लोगों ने अंजाम दिया था, जिसमें लगभग 50 से 60 एंड्रॉइड मोबाइल फोन आरोपियों द्वारा चोरी कर लिए गए थे, जिसे छिंदवाड़ा पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए अपराध पंजीबद्ध किया और जिसके बाद छिंदवाड़ा SP द्वारा SIT टीम का गठन किया गया और अलग अलग स्थानों में दबिश देकर सूत्र से सूत्र जोड़कर दो आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली है, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। आरोपियों से लगभग 35 एंड्रॉइड मोबाइल कीमत लगभग 4,50,000 करीब की बरामद किए गए हैं। आरोपी इन मोबाइल फोन को नेपाल में बेचने की फिराक में थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में छिंदवाड़ा SP विवेक अग्रवाल ने बताया कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है, आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे उन पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। मुख्य रूप से आज की प्रेसवार्ता जिले में घटित गंभीर चोरी नकबदनी की वारदातों में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने में और उनसे माल बरामद करने में जो सफलता प्राप्त की है उसके बारे में आपको अवगत कराना है। सबसे पहले थाना कोतवाली क्षेत्र में दिनांक 5 और 6 की दरमियानी रात एक मोबाइल शॉप में एक नकबदनी की वारदात घटित हुई थी, जिसमें दुकान से ब्रांडेड मोबाइल फोन लगभग 60 की संख्या में आरोपियों द्वारा चोरी कर लिए गए थे और एक गंभीर बड़ी घटना थी जिले में। जिस प्रकार से नकबदनी और चोरी की वारदातों को रोकने में पुलिस के प्रयास थे, उसमें एक गंभीर घटना का होना निश्चित रूप से हमारे लिए एक चुनौती था। छिंदवाड़ा पुलिस में ने चुनौती को गंभीरता से लिया और हमने एक जब SIT गठित की और उसके बाद आरोपियों की तलाश में जुटे तो कड़ी से कड़ी जुड़ते हुए हमें महत्वपूर्ण सुराग प्राप्त हुए और अंतिम रूप से हमारी टीम को नेपाल बॉर्डर के पूर्वी चंपारण जिले से आरोपियों को गिरफ्तार करने और उनसे चोरी के माल मोबाइल फोन बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है। अभी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस वारदात में शामिल 2-3 और आरोपी अभी फरार चल रहे हैं और उनकी तलाश पुलिस अभी लगातार कर रही है और उम्मीद है कि उनको पकड़ने में भी हमें जल्दी ही सफलता मिल जाएगी। विगत दिनों कोतवाली थाना क्षेत्र में रात के समय एक मोबाइल की शॉप में नकबदनी की घटना घटित हुई थी, जिसमें लगभग 50 से 60 मोबाइल हैंडसेट आरोपियों द्वारा चोरी कर लिए गए थे। घटना बहुत गंभीर थी और इसको पुलिस ने चुनौतीपूर्वक लेते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। अपराध पंजीबद्ध करने के बाद पुलिस ने हमने एक SIT का गठन किया और SIT ने लगातार अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर और सूत्र से सूत्र जोड़कर अंतिम रूप से आरोपियों को गिरफ्तार करने और उनसे चोरी गए मोबाइल फ़ोन जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। उक्त पूरी घटना को बिहार राज्य के ईस्ट चंपारण जिले के आरोपियों द्वारा घटित करना पाया गया है और उनसे पुलिस ने अभी तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे लगभग 35 मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिए हैं। आरोपियों द्वारा इन मोबाइल फ़ोन्स को सीमाओं के पार नेपाल में खपाने की बात भी पूछताछ में सामने आई है। मामले की जांच अभी चल रही है, आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, ये गैंग का नाम जो है, ये एक घोड़ासहन थाना पड़ता है मोतिहारी में, वहाँ का ये एक स्थानीय निवासी। R9 भारत के लिए साहिल की रिपोर्ट, छिंदवाड़ा से।